तो आज हम पढ़ाते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बायोलॉजी। दोस्तों जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों की जीवन का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क ने व उनके साथी ट्रेवलेंस जर्मनी के वैज्ञानिक थे उन्होंने किया। दोस्तों जीव विज्ञान का जीव विज्ञान का जनक जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है तथा प्राणी विज्ञान का जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। दोस्तों जीव विज्ञान के अंतर्गत आने वाली कुछ शाखाएं जैसे कि एपिकल्चर,
एपिकल्चर, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपिकल्चर कहा जाता है। सेरिकल्चर, रेशम कीट, के पालन को, के अध्ययन को सेरिकल्चर कहा जाता है। पीसी कल्चर, मछली पालन के अध्ययन को पीसी कल्चर कहा जाता है। माइकोलॉजी, कवकों के अध्ययन को अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। आइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। एंथोलॉजी, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं। पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ऑन्थियोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को ऑन्थियोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी बोलते हैं। इक्टियोलॉजी,
मछली के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। सोरोलॉजी छिपकली की अध्ययन को सोरोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोलॉजी वृक्षों व झाड़ियों की अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। ओफियोलॉजी सर्पों की अध्ययन को ऑर्फियोलॉजी कहते हैं।